नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से रतिया क्षेत्र में बाढ़ की आशंका। लोगों ने प्रशासन से पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात के चलते रतिया क्षेत्र से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर एकाएक काफ़ी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण जहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि पिछले कई दिनों से, लगभग 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बरसात हो रही है। इस बरसात के कारण जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, वहीं बरसात का पानी घग्गर नदी से होते हुए रतिया व पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पहुँच गया है। भारी बरसात के कारण पिछले काफ़ी समय से खाली चल रही घग्गर नदी का जलस्तर एकाएक ऊंचा उठ गया, कई फुट पानी ऊपर आ गया है और घग्गर नदी उफान पर आ गई। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में चिंताओं का माहौल पैदा हो गया है। वहीं लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में इसी तरह कुछ दिन और बरसात पड़ी तो रतिया क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, और क्षेत्र के अधिकारियों ने भी उपमंडल अधिकारियों को पल पल की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और अधिकारियों के माथे की चिंता लकीरें भी पैदा हो गई हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अधिकारियों ने घग्गर नदी की स्थिति पर नज़र रखनी भी शुरू कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि घग्गर नदी के जलस्तर के उठने और नीचे गिरने की पल पल की रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को दी जाए। आप देख रहे हैं राजेंद्र मित्तल की ये खास रिपोर्ट। नदी में जो आसार बने हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? घग्गर नदी जो कि किसानों के लिए ये जीवनदायिनी थी, पानी जब इसका लेवल चलता है तो आधी चलती है तो ये किसानों के वाटर ऊपर आ जाता है, उससे बहुत ही फायदा होता है। लेकिन अब जब ये इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी प्रशासन से ये प्रार्थना है कि पुख्ता प्रबंध किए जाएँ ताकि किसी भी तरह की हानि से बचा जाए। घग्गर का जो जलस्तर बढ़ रहा है इसके बारे में क्या कहना है? घग्गर का जो जलस्तर बढ़ रहा है इससे नुकसान की शंका बढ़ रही है। प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, अगर बाढ़ आती है तो किसानों के साथ साथ व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।